दिल्ली का बिगड़ रहा है हाल, प्रदूषण कर रहा है सबका जीना बेहाल। दोस्तों, प्रदूषण को इंग्लिश में पोल्यूशन या कंटेमिनेशन कहते हैं, प्रदूषित को हम पोल्यूटेड या कंटेमिनेटेड कहते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दिल्ली में जो पोल्यूशन लेवल है वो बहुत ज़्यादा हाई है। इसके परिणाम कॉन्सिक्वेंसेस, लेकिन हम परिणाम नहीं, इसके बहुत ही भयंकर परिणाम की बात करने वाले हैं, यानी इसके डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस क्या होने वाले हैं। खास तौर पे जो लोग हार्ट पेशेंट हैं, लंग की प्रॉब्लम है, या जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, उनके साथ क्या होगा। सबसे पहला, सही से सांस ना आना, शॉर्ट ऑफ ब्रेथ, घुटन, सफोकेशन, अस्थमा के दौरे पड़ेंगे यानी अस्थमा अटैक आएगा, सांस लेने में दिक्कत यानी सांस लेने में समस्या, जिसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग प्रॉब्लम, या कोई भी सांस की बीमारी यानी रेस्पिरेटरी इलनेस। जैसे हर चीज़ को नापने के लिए कोई ना कोई मेजरमेंट बनाया जाता है, सेम उसी तरीके से एयर की गुणवत्ता यानी एयर की क्वालिटी को नापने के लिए AQI होता है। AQI की फुल फॉर्म होती है एयर क्वालिटी इंडेक्स। अच्छी क्वालिटी की जो एयर होती है वो 0 to 50 होती है, 51 to 100 जो होती है वो मॉडरेट, यानी काम चलाऊ चल सकता है काम उससे, लेकिन दिल्ली का जो लेवल है वो 700-800 पार है, जो बहुत ज़्यादा हैजर्डस है। हैजर्डस का मतलब हो गया बहुत ज़्यादा रिस्की है, बहुत ज़्यादा खतरनाक। दिल्ली सरकार ने अब यहाँ पर ऑड इवन का सिस्टम चालू कर दिया है कि अब आपकी जो गाड़ियाँ हैं वो ऑड और इवन नंबर के थ्रू चला करेंगी। अब आपके हिसाब से ये ऑड इवन का जो नंबर है उससे पोल्यूशन कम होगा या नहीं होगा, इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताइएगा। धन्यवाद दोस्तों।